यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की सहयोगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को यूपी के गाजियाबाद में संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए इस वीडियो में। किसानों की बात, किसान सिर्फ दो चीजें मांग रहा है, नरेंद्र मोदी से 10 साल मांगा, हमें सही दाम दिलवा दीजिए। और जैसे आपने 16 लाख करोड़ रुपए मतलब 24 साल का मनरेगा आपने अदानी जैसे लोगों का माफ किया, वैसा ही आप हमारा भी माफ कर दीजिए। और नरेंद्र मोदी मना करते हैं, उन पर फायरिंग करवा देते हैं, उनको डरा देते हैं। तो हमने लीगल एमएसपी की का निर्णय ले लिया है, हिंदुस्तान में पहली बार लीगली गारंटीड एमएसपी होगी और हम उनका किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। यही मेन मुद्दे हैं चुनाव में। बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें आपको उनको उसका जो फाउंडेशन है दो चीजें हैं, एक कि वो शायद 10-15 साल बाद ओलंपिक गेम्स इंडिया लाएंगे और दूसरा एक या दो व्यक्तियों को वो चांद पे पहुंचा देंगे। आज गाजियाबाद में बैठे हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है, तमाम जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली, उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे।